हे मार्शमेलोस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की रिमेनिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप पहले उसे पूरा जरूर देखना। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि सारी लड़खड़ाते हुए कैंपाका के घर से वापस आकर सो जाती है, नींद में वो भी ठीक वैसा ही नजारा देखती है जैसा सुमी ने शैतान इब्लिस के बारे में देखा था। जैसे ही सारी घबराकर नींद से जागती है तो उसे उसके सामने बैठा इब्लिस दिखाई देता है। वो सारी के पास आकर उसे कुछ साल पहले की बात याद दिलाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम सचमुच वो दिन भूल गई हो या फिर सिर्फ भूलने का नाटक कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुमने कुछ सालों पहले मेरे साथ एक सौदा किया था? दरअसल दोस्तों, कुछ साल पहले जब सारी की छोटी बहन निंग्रोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब उसके पास उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए उसने शैतान इब्लिस को उसकी बहन को ठीक करने के लिए कहा था, जिसके बदले में उसने अपनी जिंदगी इब्लिस के नाम कर दी थी। इब्लिस ने सौदे के हिसाब से उसकी बहन को ठीक कर दिया था। सारी को काला जादू पहले से आता था। कई साल बाद इस सीन में इब्लिस उसे कहता है कि अब जब तुम्हारी बहन इस दुनिया में ही नहीं है तो तुम अकेली रहकर क्या करोगी। वो उसे उकसाते हुए कहता है कि जल्दी अपना तंत्र मंत्र निकालो और अपनी बहन का बदला पूरा करो। पर इस सब के बावजूद भी सारी इब्लिस को उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। तभी से सारी के साथ बहुत डरावनी घटनाएं घटने लगती है और उसके बाद उसे एक सपने में उसकी बहन निंग्रोम की मदद के लिए चिल्लाती हुई चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो हांफते हुए नींद से जागती है तो उसे उसके सामने बैठा शैतान इब्लिस दिखता है। आखिरकार सारी हिम्मत हारकर इब्लिस की बात मान लेती है और पुराना बक्सा निकालती है। ये वही बक्सा था जिसमें सारी ने अपने काले जादू का सामान रखा हुआ था। इसमें एक शैतान की छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी, जिसे देखकर वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि निंग्रोम से बढ़कर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सारी के बारे में हमें ये पता चलता है कि वो एक बहुत खतरनाक शमन थी। उसने पहले भी इब्लिस की शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई तंत्र मंत्र पढ़े थे। वो इब्लिस के साथ मिलकर उसकी बहन के खूनी की दर्दनाक मौत के लिए काला जादू करती है। अगले दिन जब उसकी झोपड़ी में डॉक्टर फ्रीमैन उसके चेकअप के लिए आया था, तभी गाँव का एक आदमी झोपड़ी के बाहर आकर उसे बताता है कि बूढ़ी कैंपाका का बेटा बुरास मारा गया। सारी भी फ्रीमैन के साथ उसे देखने के लिए जाती है और वहाँ बुरास बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिलता है। उसकी डेड बॉडी को देखकर सारी को पता चल गया था कि उसी ने निंग्रोम के साथ गलत काम करके उसे मार दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुमी को देखते हैं जो अपनी दुकान पे खड़ी थी। वहाँ मिमिन भी था, जिसे अचानक दुकान के अंदर से सुमी के पापा कार्तो की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। मगर इससे पहले कि वो अंदर जाता, सुमी उसे बहाना बनाकर कहती है कि उनकी दवाई का टाइम हो रहा है, इसलिए वो आवाज़ दे रहे हैं। अभी उनका इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए अगर तुम उनके पास गए तो तुम्हें भी वही बीमारी हो जाएगी। इसके बाद सुमी अंदर आकर कार्तो को आवाज़ न करने के लिए कहती है और फिर बर्तन से मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि कैंपाका चुपके से सारी से मिलने आई थी। वो आकर उसे वही कड़ा देकर बताती है कि ये मुझे तुम्हारे साथी ने तुम्हें देने के लिए कहा था। दोस्तों, यहाँ उसका इशारा किसी इंसान से नहीं बल्कि शैतानों के शैतान इब्लिस की तरफ था। इस मुलाकात के बाद सारी को ये पता चल चुका था कि निंग्रोम को मारने वाली कैंपाका नहीं बल्कि बुरास था। बुरास को तो निंग्रोम पसंद थी। ये काम जरूर डॉक्टर फ्रीमैन का था। उसे समझ आ गया था कि उसी ने बुरास की दिमागी हालत का फायदा उठाकर उससे ये सब करवाया होगा। सारी अगली सुबह डॉक्टर फ्रीमैन के घर जाकर उसे पूछती है कि बताओ तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, और फाइनली ये डॉक्टर खुद अपना कच्चा चिट्ठा सारी के सामने खोलता है और उसे बताता है कि वो कमजोर औरतों से बहुत नफरत करता था। उसे अच्छे से पता था कि बुरास की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, पर वो निंग्रोम को पसंद करता था, इसलिए उसने बुरास को अच्छे से सिखाया था कि किस तरह बिना हाथ लगाए भी इंसान को मारा जा सकता है। दोस्तों, उस दिन बुरास ने निंग्रोम को कड़ा गिफ्ट किया था। डॉक्टर फ्रीमैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सारी को कहता है कि तुम्हारी बात कोई भी नहीं मानेगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, यहाँ उसने सारी को कमजोर लड़की समझने की बेवकूफी की थी, जिसकी सजा उसे अपनी जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी, क्योंकि जैसे ही सारी को सच्चाई का पता चला, उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल करके इस डॉक्टर से अपनी बहन की मौत का बदला पूरा किया। इसी बीच कार्तो को जब होश आया था तो वो सुमी से बचने के लिए कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहा था, और इसी बीच उसे अपने घर पे साबिर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी से जाकर फ्रीजर में छुप जाता है। दूसरी तरफ सुमी अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी शैतान इब्लिस उसे कहता है कि जाने से पहले एक बार उस सच का पता नहीं लगाओगी जो आज तक कार्तो ने तुमसे छुपा कर रखा। वो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ के लापता होने का असली
असली सच इस घर के अंदर ही छुपा हुआ है। कार्तो से जाकर पूछो कि उसने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था। सुमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद वो कार्तो को घर में सब जगह ढूंढती है और आखिरकार वो उसे फ्रिजर में मिलता है। इसके बाद वो उसे बांधकर उसकी माँ के बारे में पूछती है, मगर कार्तो वही झूठी कहानी बोल रहा था कि कुछ सालों पहले तुम्हारी माँ अचानक अहमद को लेकर और हमें अकेला छोड़कर भाग गई। मगर इब्लिस, जो कि सिर्फ सोमी को ही नजर आ रहा था, वो उसे कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर सच बाहर निकालने के लिए सोमी कार्तो के मुंह के सामने कैंची पकड़कर उसे कहती है कि अगर तुमने एक बार फिर झूठ बोला तो दोबारा कभी बोल नहीं पाओगे। यहाँ सोमी एकदम साइको की तरह बिहेव कर रही थी, इसलिए कार्तो उसे सच बता ही डालता है। दोस्तों, वो बताता है कि असल में वो सोमी की माँ से नहीं बल्कि उसी अजीब सी बदचलन औरत कैंपाका से प्यार करता था। कार्तो ने अपने परिवार के दबाव में आकर सोमी की माँ से शादी की थी, और तो और वो दिमाग से पैदल लड़का बुरास उसका और कैंपाका का ही बेटा था। जब बुरास का जन्म हुआ उस वक्त सोमी की माँ के पेट में भी उसका भाई अहमद था, लेकिन जैसे ही उसे कार्तो के चक्कर के बारे में पता चला तो वो घर छोड़कर जा रही थी। कार्तो ने जबरदस्ती उसे बाहर जाने से रोकने की कोशिश की, मगर जब उसने कार्तो की बात नहीं मानी तो कार्तो ने उसके साथ उसके पेट में पल रहे अहमद दोनों को ही मार डाला। आज भी उसकी माँ की बॉडी उनके घर के कमरे के नीचे दफन थी। इस सच्चाई को जानने के बाद सुमी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से अपनी माँ और अपने भाई मिलने के लिए पैसे जमा किए थे, मगर अब वो सब किसी काम के नहीं थे। वो गुस्से में कार्तो की जबान काटकर उसे चाकू से मार डालती है। कुछ देर बाद वो कमरे की मिट्टी हटाकर देखती है तो वहाँ उसे उसकी माँ की बॉडी मिलती है। वो वहीं पर कार्तो को दफन करके वहाँ से जाने की तैयारी करती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, उसके घर में सारी अपनी बहन के शरीर को लेने के लिए और कैंपाका भी कार्तो को लेने के लिए वहाँ आती है। अब यहाँ वो तीनों औरतें मौजूद थी जिनका कनेक्शन शैतानी ताकत इब्लिस से था। इनमें से सारी और कैंपाका दोनों ही बहुत खतरनाक काला जादू जानती हैं, मगर सुमी भी एक साइको लड़की थी और अब तक तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ये तीनों एक दूसरे को मार डालेंगी, या फिर ये तीनों ही इब्लिस के साथ मिलकर पूरे गांव को खत्म कर डालेंगी? क्या इब्लिस सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहा था? और सुमी को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, और साथ ही अपना ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर करना। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप और भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो एक बार मेरे छोटू से चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना।